होता है जब शबनम के आंसू से शोले का गुस्सा मिल जाता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है? के बाद लीड सेंटर करने वाले मगर मैं आ गया बट दैट इज माई डिफॉल्ट एनीवेज. सो गुड इवनिंग एवरीवन ऑन बिहाफ ऑफ एवरीबॉडी इन ये रिश्ता का कहलाता है डायरेक्टर्स का प्रोडक्शन. और आप सब सोच रहे हो कि ऐसा आज क्या स्पेशल है, लाइक ये रिश्ता कितने सारे लीड्स हो चुके हैं आज तक, तो आज क्या स्पेशल है? तो सारी डायरेक्टर्स का प्रोडक्शन की टीम, सारी रिश्ता कहलाता की टीम जो पिछले मोर देन 3,800 एपिसोड से काम कर रही है शो पे, मोर देन 13 ईयर्स, हम सब ने, एंड आई एम स्पीकिंग ऑन बिहाफ ऑफ द एंटायर टीम, हमने हर साल हमेशा हर फेज में शो में सोचा है, लाइक आई सेड 3,800 एपिसोड्स, कि हम अपनी तरफ से विद फुल ह्यूमिलिटी विद फुल हार्डवर्क कुछ नया कहे कुछ नई कहानी कहे ऑडियंसेस को. एंड वी हैव बीन वेरी ब्लेस्ड कि ऑडियंसेस आप सबका प्यार मिला है, चाहे हमारी वो तीन पीढ़ियां जो आई हैं आज तक, चाहे वो अक्षरा और नैतिक की हो, चाहे कार्तिक नायरा की हो, और पिछले साल हमारी जो एक जोड़ी आई अभिमन्यु और अक्षरा की, ये जोड़ी के साथ वापस बोलते ना एक पुण्य जन्म हुआ हमारा कि इस इंडस्ट्री में और एक शो के जो बताया 3,800 साल चलता है, तो ऐसे कोई एक कपल आता है, ऐसी एक टीम आती है, ऐसे दो किरदार और एक्टर्स आते हैं जो हमको इंस्पायर करते हैं, जो हमारी टीम है यहाँ पर सब पीछे खड़े हैं जो 13-14 साल से शो में काम कर रहे हैं, जो हमें इंस्पायर करते हैं. और ऐसे दो ब्रिलियंट एक्टर्स और ब्रिलियंट ह्यूमन मिस्टर हर्षल चोपड़ा एंड प्रणाली दोनों साथ में आए, एंड हमारी जो एक टीकेपी के पूरे हर डिपार्टमेंट की टीम है उनको वापस इंस्पायर किया और वापस एक नया जोश लेके आया. एंड ये लास्ट ईयर वी केम अप विद अ न्यू फेज ऑफ अभीरा, हैशटैग अभीरा, एंड विच बिकेम वेरी पॉपुलर, एंड टचवुड हमको वापस रीइन्वेंट हम हुए इस नए जोड़ी के साथ. सो सारी डायरेक्टर्स का प्रोडक्शन की टीम, हर एक डिपार्टमेंट, एवरी इंडिविजुअल जो इस शो के साथ जुड़ा हुआ है, वी वॉन्ट टू से कि आज इस कपल का जन्म तो लास्ट ईयर हुआ था बट आज वापस उनका एक और रीइन्वेंशन, एक रीइवॉल्वमेंट हो रहा है, विच आई कैन वेरी प्राउडली से सीइंग द हार्डवर्क द टीम्स हैव पुट इन. एक लव स्टोरी, एक रोमांटिक लव स्टोरी और रोमांटिक जोड़ी वापस आज रीबॉर्न होगी और उसका टेलीकास्ट आज होगा 9:30. उसका एक छोटा ट्रेलर, छोटा टीजर आपको आज दिखाने जा रहे हैं. सो थैंक यू गाइस फॉर कमिंग एंड वी शुड वॉच अभीरा टुडे एंड अ स्मॉल स्नीक पीक. थैंक यू सो मच. थैंक यू. हमें तुमसे शिकायत है, बताना ना मिलोगी, शिकायत में भी मोहब्बत है, बताना मिलोगी. नजर आई जो तो करते हैं सच्चा, हमारी इबादत है, बताना ना. इस देव की जो झूठी कसमें खाई थी तुमने वो अब तक सलामत है, बताना था मिलोगी. हमें तुझसे मोहब्बत है, तुझे है हमसे लगता है, ये मौके की नजर हमें तुमसे शिकायत है, शिकायत में भी मोहब्बत है, बताना. Thank you everyone.
आप लोगों ने शो देखा हॉटस्टार वाले को? भाई थोड़ा आगे एक पिक्चर के लिए एक साथ में थोड़ा आगे हो जाएंगे पिक्चर हाँ थोड़ा सा पिक्चर में बीच में नहीं आएगा तो लव को ही लंबी नहीं पड़ेगी ये रिश्ता का क्या साथ है हमको बहुत लंबा चलाना है तो बीच में किसी को आना ही पड़ेगा तो थैंक यू गाइस अ स्मॉल ट्रेलर एक स्मॉल स्नीक पीक लाइक मैंने पहले कहा जो एक हमें जो हर साल ये मोर देन 13 इयर्स लाइक अगेन आई एम रिपीटिंग वी आर वेरी प्राउड ऑफ इट कि 3800 एपिसोड से ज़्यादा बनाने के बाद कुछ चंद लोग आते हैं कुछ एक्टर्स आते हैं ह्यूमन्स आते हैं सो द एंटायर कास्ट ऑफ द गोइंका एंड द बिरलास हैव हर्ड अस एंड स्पेसिफिकली एंड स्पेशली वांट टू थैंक अक्षर हुज बीइंग अभिमन्यु एंड प्रणाली हुज बीइंग अक्षरा जो उन्होंने जोश जो एक वापस एक एंथुजियाज्म और एक डेडिकेशन ह्यूमिलिटी दिखाई हम सब भी बहुत इंस्पायर्ड हुए और इस मैजिकल जैसे बोला जाता है कि ये रिश्ता इज गॉड्स ओन शो उस शो के पीछे कुछ बहुत सारे लोग हैं मतलब हंड्रेड्स ऑफ पीपल आर देयर बिहाइंड इन एवरी डिपार्टमेंट यू कैन इमेजिन एवरी डिपार्टमेंट ऑफ ये रिश्ता फ्रॉम ए टू जेड हैव वर्क वेरी हार्ड टू कम हियर सो थैंक यू टू ऑल एंड एवरीबॉडी बिहाइंड द सीन्स बट चंद लोग हैं यहाँ पे जो शो के साथ शुरू से सालों से हर डिफरेंट फेज में जुड़े हुए बहुत मेहनत भी करी है उन्होंने सो आई वुड जस्ट वांट रिजल्ट जो भी हो आज हमारा ये नए मेहनत का गॉड ब्लेस अस थ्रू टू थ्रू बट आई वुड जस्ट लाइक इफ यू कुड कम ऑन स्टेज एंड वी कैन हैव अ ग्रुप फोटोग्राफ एंड आफ्टर दैट हर्षद एंड प्रणाली कैन डू अ वन लाइक व्हाटएवर इंटरेक्शन एट द बेस्ट बट आई वुड रियली थिंक जो बिहाइंड द सीन्स हीरो हीरोइंस हैं जिन्होंने अनसंग हीरो हीरोइन 13 साल इस शो के साथ रहे इफ दे कैन कम Just capture this moment and thank you and a big applause to them. Hi, Arun, Ravi, Garima, Govi, Vishal, Satish, Rishi. आ जाओ भाई जो जो समझ रहा है बहुत important कह रहा है आ जाओ जो नहीं समझता मत आओ Thank you guys. Thank you. स्पेशली द फर्स्ट पार्ट सारा याद आ गया हम लोगों ने क्या क्या किया है कैसे कैसे किया से लेकर राधा डांस से लेकर हमारे मिलने तक हमारी शादी तक आई थिंक ऑलमोस्ट एवरी फाइट या एंड एवरी लटकना शादी दैट आई थिंक एंड देन नया कैसा लगा आप लोगों को नया कैसा लगा अच्छा आपने वापस क्यों प्ले करने बोला है क्या रीजन मैंने देखा नहीं था मैं वहाँ से सुन रहा था सब लोग चेयर कर रहे थे मुझे भी देखना था किस बात के लिए चेयर कर रहे हैं मैंने देखा दिखाया नहीं था हम लोग शूट कर रहे थे अच्छा मैंने देखा जहाँ पे कि दो बार पेड़ पे उल्टा लटके हुए थे हाँ
एक बार पेट पे, एक बार हाँ यार ऑनेस्टली मैं बताऊँ, आई थिंक जितनी चीज़ें हम लोगों ने आज तक शो में की है ना, बहुत डेंजरस है, रिस्की है, घर पे ट्राई ना करें. एंड यहाँ पर फुल विथ सेफ्टी एंड प्रिकॉशंस, एंड देयर आर पीपल हु मेक अस लुक लाइक दैट. झाड़ पे टंगना या किसी भी चीज़ पे टंगना, वो नीचे मैट्स लगे होते हैं, ऊपर सब सेफ्टी हार्नेस वार्नेस लगे होते हैं. तो मतलब उस कंफर्ट के साथ जो आदमी चौड़ में करता है ना एकदम शेर की तरह, वो बात ही अलग है. तो आई थिंक वो दिख कर ऐसा आता है, बट इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द टीम. आप क्या कहना चाहेंगे एसोसिएशन के ये रिश्ता एंड मैं क्या कहूँ, मैं बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म्ड हूँ. और स्पेशली ये वीडियो देखकर तो मुझे लिटरली रोना आ गया था. मुझे स्टार्ट से पूरी अपनी जर्नी याद आ गई. I'm so grateful and, to be a part of this show. And imagine we are still starting again. I know. इतनी बड़ी जर्नी है, उसके बाद भी we are starting again. So it's very, I feel very grateful. सी आधे से ज़्यादा वही, जैसा कि मैंने बताया, जो हम लोग दिखते हैं अगर आप रॉ फुटेज देख लें या हमें ऐसे ही छोड़ दिया जाए. कुछ कुछ हैं वीडियोस जहाँ पर हम अपनी असलियत दिखा देते हैं, हमें बहुत कंट्रोल करके रखा जाता है ताकि हम कैरेक्टर्स में रहें. और कैरेक्टर की बात करें तो आधे से ज़्यादा होमवर्क मतलब हमारे हिस्से का काम हमें करा कराया मिलता है. हमें बस परोसी हुई थाली को फटाक से खाना होता है. Yeah, for this character, nahin, in general, I believe in being healthy, happy is healthy. So, I keep working on myself. Bare body scenes kitne dekhne milenge? Kitne dekhne milenge? Jitne pehle, ye rishta third ke first season mein aapne jitne dekhe, usse... Kitna zyada udhar dekho? Usse multiplied by... How much? Infinity! In second season! Okay. बेयर बॉडी से ही मज़ा आएगा क्या? नहीं नहीं, बट मज़ा तो आएगा बिकॉज आई थिंक पहली जर्नी हम लोगों ने देख ली है, विच आई थिंक आई मीन मुझे ऐसी फीलिंग है कि हम लोगों को करके बड़ा मज़ा आया. वी आर वेरी प्राउड ऑफ व्हाट वी हैव डन एंड देर इज़ अ सर्टेन अमाउंट ऑफ अप्रिसिएशन विच आई फील कि यार पीपल लाइक. एंड ये दूसरी जर्नी है, उससे ज़्यादा इंटेंस है, उससे थोड़ी सी अलग है और बहुत ज़्यादा पुरानी झलके हैं और सिमिलैरिटीज़ हैं. लोग वही हैं, कैरेक्टर्स वही हैं, कुछ कुछ बदला है, बहुत सारी नींव अभी तक वही है, वो बेस जो अंदर का है वो वही है. हाँ आप लोगों ने काफ़ी ट्रैवल किया होगा. या सबसे अच्छा कहाँ लगा ट्रैवल करके? और यार हम लोग जब शूट कर रहे होते हैं, ट्रैवल कर रहे होते हैं ना, हम लोग ऐसे 4:30-5 बजे उठते हैं और निकल जाते हैं और उसके बाद घर पहुंचते हैं 11-12 बजे. तो ज़्यादा एक्चुअली उसमें ख्याल नहीं रहता. बट ये जो डैम वाला जो सीक्वेंस था, दैट वाज क्वाइट, आई डोंट नो व्हाट टू से, आई विल रिमेंबर इट फॉर अ लॉन्ग टाइम. इट वाजंट चैलेंजिंग और डिफिकल्ट और ईजी और नॉट चैलेंजिंग, बट इट वॉज रिमेंबरेबल. यार पैशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर चीज़ इस वक्त 2.0 है. हम लोग जिस जज्बे से चालू हुए थे, नए नए आए थे, वी हैड टू, यू नो, वी वर ऑल गेटिंग इन टू द कैरेक्टर्स एंड ट्राइंग टू पुट आर बेस्ट फुट फॉरवर्ड. सब हो गया है, सब कर चुके हैं. इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ स्ले, जो स्लेट है हमारी वो अभी क्लीन हो गई है. वी आर रीबिल्डिंग द होल थिंग. एंड बिकॉज देर इज़ अ सर्टेन अमाउंट ऑफ हिस्ट्री, यू नो, ऑडियंस के साथ भी है, कैरेक्टर्स की भी बनी हुई है, इसलिए देर इज़ सो मच मोर टू प्ले विद नाउ. आई थिंक अप्स एंड अप्स ही रहे. आई थिंक सो फार, मतलब चीज़ें क्या हो जाती, पुरानी हो जाती है, स्टेल हो जाती है, लोगों को मज़ा नहीं आता है. आई थिंक द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस टीम इज़ दे एवरी डे टेक दिस शो एज इट्स फर्स्ट शो, यू नो, फर्स्ट डे. शूट पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता है, लुक पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता है, आर्ट्स पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता है. बट कुल मिला के बाय द एंड ऑफ इट द प्रोडक्ट इज़, आई थिंक यहाँ पर सबका टेक ये है कि दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग एंड वी ऑल टुगेदर वर्क टूवर्ड्स मेकिंग द बेस्ट वी कैन. सवाल क्या था आपका? सवाल क्या था? मैं भूल गई, मेरा सब गया. अप्स एंड डाउन्स आपने क्या देखी इस जर्नी को, किस तरह से देखी है आप पहले दिन से लेकर आज तक, जो लोगों ने आपको इतना प्यार दिया?
जैसे कि सर ने कहा, हमने तो भाई सर, अरे राजन सर, सर अप्स एंड अप्स ही देखे हैं. एंड हम तो डे वन से मेहनत करने में ही लगे हुए हैं कि वी हैव टू मेक द बेस्ट शो. हमें हम तो लगे पड़े हैं यार, मैं तो लगे पड़े हैं, पता नहीं. इट्स ऑलमोस्ट लाइक यू नो वी हैव वर्क्ड वेरी हार्ड एंड आई एम श्योर सब करते हैं, ऑनेस्टली सब करते हैं. दिस हार्ड वर्क हैज बीन अप्रिशिएटेड ऑल्सो, सो that doesn't happen all the time with us and not with everyone, so God's been kind and that's the best and that's the motivation to go for. Yes, good one. yahi mera answer tha. आई डोंट थिंक हम लोगों ने टाइम वाइम का ये टाइम का एक्चुअली हम लोगों में से आई डोंट थिंक किसी को भी आइडिया होगा, सर को भी आइडिया नहीं होगा जब तक सर बनाते रहेंगे और सर बोलेंगे करते रहो, हम लोग करते रहेंगे और दैट्स इट. अभीरा यस दैट वी हैव बीन वेरी सक्सेसफुल विद. आई थिंक जो व्हेन वी स्टार्टेड हम लोगों को आइडिया नहीं था बिकॉज एसेंशियली लव स्टोरी बन रही थी, तो लव स्टोरी में वो जोड़ी बन पाएगी या नहीं, उस तरीके से उसको अप्रिशिएट किया जाएगा या नहीं, लोग उससे अटैच होंगे या नहीं, इमोशनली इन्वॉल्व होंगे या नहीं, सो सम यू नो रिवॉर्ड्स की हाँ कुछ नहीं तो अभीरा तो बना, अब 2.0 भी आ गया. ये तो मैं स्टार्ट से बता. अरे फिर से बताओ उसमें क्या है. हाँ मुझे भी नहीं पता है. अच्छा मैं भूल जाता हूँ सुन के. अच्छा ओके ओके तो मैं तो ऑफ कोर्स जानती थी. अच्छा मुझे कुछ और बोला था पहले. हाँ कुछ भी मैं जानती थी एंड आई वाज टू नर्वस एट फर्स्ट बट फिर तुम जब नर्वस होती हो समोसा खाती हो. हाँ ओके क्योंकि हमारी पहली मुलाकात ही ऐसी हुई थी कि मुझे हमारी जो शो की ACH थी वो मुझे कहीं लेकर गई, कहती है कि मुझे आपको किसी से मिलाना है. तो मैं रूम में गई, मैं अपना समोसा खाते 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 जा रही थी कि पता नहीं किससे मिलाने वाली है, और ये उसने रूम खोला और ये मेरे हाथ में समोसा और ये मैंने देखा. साला मुझे सर्कमस्टेंसेस नहीं पता थे इसलिए. तो शौक तो मैं और मैंने बात भी की थी. ठीक है हाँ बात भी तो की. मतलब नर्वस नहीं लगी वही तो बोला क्योंकि मैं तुम्हें फ्रीक आउट नहीं करना चाहती थी कि कैसी सी क्रीप सी फैन है, वरना मैं तो उछलना शुरू हो जाऊं कि हाँ। देखो जब तक काम चालू रहता है ना जो जो होता है जो होता है, जब काम नहीं कर रहा होता ना हर आदमी स्ट्रगलर होता है, तो वो तुम जिससे मिली थी वो भी स्ट्रगलर ही था, वो भी नर्वस बैठा हुआ था मेरा क्या होगा, होगा नहीं होगा, पता नहीं कैसे होगा. आई थिंक थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हम लोगों की बेटर हो गई है. लाइक इनिशियली व्हेन वी स्टार्टेड वी डिड नॉट नो ईच अदर एट ऑल एंड करते करते लाइक यू नो सबको ही सर बोलना पड़ता था हम पर, अब जल्दी समझ जाते हैं हम लोग, ये चेंज आ गया है. व्हेन हैव आई नॉट. पसंद आ रहा है ना, मतलब दैट्स ऑल आई बिकॉज मैं खाना अपनी पसंद का खाता हूँ, बाकी कुछ मतलब कपड़े बाल ये सब आपके पीछे जो हाँ जो लेडी खड़ी हैं इनका करना धरना है, इनका विजन है ये. मैं तो कभी ना कराऊँ छोटे बाल, मतलब हाँ मैंने मर्जी से कराई है. आई डोंट नो व्हाट इज द राइट आंसर. अच्छे लग रहे हैं ना. आई एम लाइकिंग व्हाट. हाँ बस I think personal life mein I believe that everybody should be at least active enough, healthy enough to be able to live their own lives till the time they are and they have one. And uske alawa I think for acting I don't think koi as such body ya kisi tarike ke kisi gimmicks ki koi zarurat hoti hai. But then agar aapko aata hai to bahut sare space milte hain aapko jahan par cheeze nahi hoti hain, jahan par aap
कुछ करो तो इट मेक्स सेंस. सो अगर आपको कुछ आएगा तो आप उसको यूज़ कर पाओगे, यूज़ कर पाओगे तो जो भी आप कर रहे हो उसको और बेटर तरीके से कर पाओगे. फील मैं कॉन्फिडेंट ज़्यादा फील करता हूँ पहले से, क्योंकि पहले मैं सोचता था अरे यार ये कर लूँ लेकिन आता नहीं है. अब ऐसा लगता है अच्छा ये करना है, ओके लेट्स डू इट. थैंक यू मैम. दैट्स गरिमा मैम. हर बार जो कोई गया है मेरी लाइफ बदल गई है. हर बार जब कोई गया है आप कितने नाम गिनाऊं. मेरे अराउंड बहुत लिमिटेड लोग रहे हैं और वो अभी तक है. वो अभी तक है. तो अभी ऐसा एज सच कोई गया नहीं है तो आई डोंट नो. आपने अपने हर शो के बाद एक टाइम लिया, गैप लिया लाइक 2 इयर्स 3 इयर्स. सो आप अपने क्या प्रोजेक्ट को लेकर के काफी चूजिंग है. हां यार आदमी काम करे तो मन का तो करे तभी तो मतलब ये करने आया, नहीं तो फिर नहीं कर रहा होता कुछ जो कर रहा होता ऑटोमेटिकली. हाँ मतलब इट हैज़ टू एक्साइट मी, नहीं तो आई विल लुक लाइक अ बैड एक्टर बिकॉज आई एम नॉट एक्साइटेड अबाउट इट. आई थिंक मन से ही कर पाता हूँ तो वही करता हूँ जो ऐसे लगता है कि हाँ यार मन कर रहा है करने का, नहीं तो फिर नहीं करता हूँ. फिर मेरे को आराम ज़्यादा मन पसंद है. अब नहीं, पहले करता था, पहले ना बोलने में बहुत डर लगता था. अब मुझे मेरी लाइफ ने सिखा दिया है ये आपका पैटर्न है, ये आपके लिए वर्क करता है, आप ऐसे ही चलो अब सही हो. नहीं 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 एक्चुअली सब कुछ सही चल रहा था, सब कुछ अच्छा चल रहा था, बट उसको नेक्स्ट लेवल पे कैसे ले जाया जाए, यू नो उसको और बेटर कैसे बनाया जाए. बिकॉज आई थिंक कोई भी चीज़ आफ्टर अ पॉइंट रेपिटेटिव और स्टैगनेंट लगने लगेगी, तो उससे पहले कि रेपिटेटिव हो स्टैगनेंट हो वी वॉन्टेड टू पुश द एनवलप एंड दिस वॉज द टाइम आई थिंक इट. एंड मुझे नहीं पता ये मुझे ऑलमोस्ट लाइक मुझे तो एक्चुअली हर चीज़ गॉड की प्लानिंग लगती है, बट इट इज़ ऑल्सो गॉड की प्लानिंग. यार हमारा शो तो बहुत सारे लड़के भी देखते हैं, ये तो मुझे पर्सनली पता है, विच इज़ गुड विच इज़ अगेन मतलब यार सब देखे, सब मिलके देखे साथ में. कोई मतलब आई थिंक वी मेक फॉर एवरीवन. हम लोग ये नहीं सोचते हैं बनाते समय कि औरतों के लिए बना रहे हैं या मर्दों के लिए बना रहे हैं. आई थिंक और हर कॉन्टेंट का शायद अपना यू नो एक वो ऑडियंस का एक वो जो भी होता है क्या होता है वो एज, हाँ मतलब एक सर्टेन अमाउंट ऑफ ऑडियंस को केटर की जाती है. आई मीन एवरी शो और एवरी कॉन्टेंट कैन नॉट बी केटर्ड यूनिवर्सली टू एवरी वन. सो आई डोंट थिंक इतना सोच के आई थिंक जिसको जो जो पसंद आता है वो देखने लग जाता है. स्टोरी तो सभी को पसंद. हाँ हम लोग ये नहीं सोचते हैं इसमें लड़कों को मजा आएगा या लड़कियों को मजा आएगा. मजा सभी को आएगा. सबको आना चाहिए. जो देखे वो इंस्पायर हो, उसको लगे लाइफ में यार कुछ सीखने मिल जाए तो अच्छा है, मजा आ जाए तो अच्छा है, अपनी लाइफ की 2-3-4 प्रॉब्लम भूल जाए तो और भी अच्छा है. फिर आई थिंक हमारी दिन की मेहनत सफल सफल. Be ready for 2.0 and thank you so much प्यार देने के लिए पहले वाले अभीरा को. अब 2.0 को भी उतना ही प्यार देना, उससे ज़्यादा प्यार देना. Bigger, better, more. Yes. उतने से काम नहीं चलेगा. हाँ. ज़्यादा. ज़्यादा. Thank you. Thank you. Thank you. इतना पढ़ा के समझा के भेजा था. Test pass हुए कि नहीं? Wait. Thank you.
कुछ खतरनाक फोटो ले रहे हैं। I know. मेरे इंस्ट्रूमेंट्स दिख रहे हैं बेस्ट ऑफ लक अमीरा थैंक यू थैंक यू।